أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن ألم نشرح نشرح لك لك صدرك صدرك ووضعنا ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله خالقنا العظيم. शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ रखी थी और तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। हाँ हाँ मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तू जब फारिग हुआ कर तो इबादत में मेहनत किया कर और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जो हो जाया करो। सदक अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने मैं हूँ मिशी खान और आज की खसूसी नशरियात जो कि पूरे आप 7 दिन देखते हैं रमज़ान शादमान में, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे जो कारी हैं उन्होंने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो अल्लाह के बरकत नाम से किया। बहुत खूबसूरत किरत थी इनकी। कारी आमिर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए कलार बासमती की तरफ से एक अदद छोटा सा नजराना कबूल फरमाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन आप लोग होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी जुमेरा जुमा हफ्ता मैं आपके साथ होती हूँ और आज जुमा मुबारक है और कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, ये बाबरकत महीना हमें कितनी जल्दी छोड़ के जा रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज क्योंकि लास्ट डे है बाज़ार और सब जगह बंद होने का,
तो आज मुझे एहसास हुआ कि लोगों को कितनी एक हबड़ दुबड़ है कि मैं पूरे 2:45 बजे से निकली और मैं जहाँ से भी जा रही थी, जो मार्केट्स बीच में आ रही थी, वहाँ पे इतना हुजूम था, इतनी गाड़ियाँ थी, तो करते करते आज मुझको ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा और 15 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। सो मेरी गुजारिश है कि देखें, बंद हो रही हैं चीज़ें सिर्फ 16 तारीख तक, जो कि ईद का तीसरा दिन होगा, तो इतना ज़्यादा आप लोग पैनिक में ना आए, क्योंकि पैनिक जो है वो क्रिएट करता है ज़ाहिर गुस्सा भी। लोग कुछ जगहों पे लोग गाड़ियाँ खड़ी करके लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि ऐसा उनको लग रहा है कि जो लॉकडाउन है वो काफ़ी अरसे तक के लिए, सिर्फ 16 तारीख तक के लिए, उसके बाद जो है ज़ाहिर चीज़ें जो है उसमें बदलाव आएगा। तो आप लोग फिक्र ना करें, पैनिक में ना जाया करें, क्योंकि पैनिक घबराहट जो होती है वो बहुत सारी और जो मुसीबतें हैं उनको दावत देती है। सो वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद रमज़ान शादमान में। लाइव कॉल आप कर सकते हैं 0518094521 पे, और कल भी हमारे जो एक कॉलर थे, आप लोगों ने सही जवाब दिया भी अगर होता है तो उसमें उसके बाद शो से 10 मिनट पहले कुरानदाजी होती है, और उसके बाद निकलता है उन खुश नसीब का नाम जो विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से ये खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर्स। इसमें सरप्राइज़ है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो कल भी हमारी एक कॉलर ने, उनकी खुशकिस्मती के उनका नाम निकला, आज भी आप विन कर सकते हैं 0518094521 पे कॉल करें और जवाब दें। सवाल है कि कुरान की किस सूरत को किरतुल वाजिबा कहते हैं, कुरान की किस सूरत को किरतुल वाजिबा कहते हैं, आप जो है कॉल करके बता सकते हैं, विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर। और उसके साथ साथ जो है लोग, ज़ाहिर है अब गर्मी भी बढ़ रही है, हालात भी कुछ ऐसे हैं, मेंटल स्ट्रेस भी है, तो घबराने की एक जुमला आप सुनते ही होंगे, घबराना नहीं है आपने, लेकिन ये कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस वक्त जो हालात हैं कोरोना वायरस के, उसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, बच्चों को इधर उधर ना जाने दें, मास्क पहने, जब घर वापस आते हैं कुछ भी काम करके हाथ धो लें, तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस मूजी वायरस से जो है दूर रखेंगी। बाकी मेरी दुआ है कि जितने अलील लोग हैं और इस वक्त जो हस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियाब करें, आमीन सुबह आमीन। और उसके साथ साथ आप लोगों को कहते हैं ना, ख्याल करना चाहिए कि थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी एक्साइटमेंट के लिए आप इतनी बड़ी एक वबा जो है उसका शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को बचा के रखें, घर की इन्वायरमेंट को साफ रखें, और दैट्स अबाउट इट। लेकिन गाड़ी में जब आप अकेले जा रहे हो तो उस वक्त मास्क पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं है आपको ये वबा देने के लिए। सो वंस अगेन जितने जो स्पॉन्सर्स हैं हमारी नशियात में जो अभी तक साथ साथ चल रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोई भी जो लाइव ट्रांसमिशन होती है उसमें स्पॉन्सर्स के बगैर जो है ना, जगह सूनी सूनी और ट्रांसमिशन सूनी सूनी लगती है, तो इनका बहुत शुक्रिया। और उससे पहले आपको बताने से पहले, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, आपको भी मेरा खास सलाम। खावर भाईजन इंशाल्लाह गेट वेल सून, और दावर भाईजन माशाल्लाह की तबीयत ठीक हो गई है, और बाबर भाईजन और मैं जो है ना, सुखद अपने आप को जो है, उनको खुदा ना करे कोई कोविड नहीं था, लेकिन ये कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, सो गेट वेल सून। और जितने देखने वाले हैं उनको वंस अगेन मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज का जो कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर वनस्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल, इनका कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल मीठा बूस्ट के साथ है, विटामिन ए डी और ई के साथ भरपूर तरीके से आपकी हड्डियों को, आपकी सेहत को ज़बरदस्त रखेगा। साथ में इनका जो कश्मीर वनस्पति है उसमें आप हलवे, सवैयाँ, पराठे और जो हमारा देसी कुजीन है वो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में मुइज़ गुड़ है, जो कि आप अपनी अफ्तार की जो ड्रिंक है उसमें गुड़ का इस्तेमाल करें, हिफ्ज़ाने सेहत के सूलों पे तैयार करता है, बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी। ये एक इस तरह का स्लाइस है, छोटा सा पीस है, उसको आपने ग्लास में थोड़ा सा ब्रेक करके डालना है, और उसमें तुख्मे बालंगा डाल लें, चिया सीड्स डाल लें, या फिर उसको वैसे ही ठंडा करके जो है आप पी लें, अफ्तार आपका मज़ेदार होगा और बड़ा रिफ्रेशिंग होगा। और उसके साथ साथ कलार बासमती राइस हमारे साथ है, हाउस ऑफ कलार की तरफ से आपके पूरे मार्केट्स में, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। प्रीमियम बासमती राइस है, कलार बासमती 1121 सेला राइस, बासमती स्टीम राइस एंड खैबर बासमती राइस जो है आप जाके मार्केट से ले सकते हैं। वंडरफुल अरोमा, आज भी मैं जो है ये इस्तेमाल कर रही हूँ।
क्योंकि आज जो है ज़बरदस्त ही चटपटी चिकन बिरयानी बनेगी जो कि सबको बहुत पसंद है, कराची स्टाइल में आज बनेगी। सो इसमें मैं प्रीमियम बासमती राइस जो है कलार वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बरकत राइस FSL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है जिसने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 1913 में गुजरात से किया। मैं सोच रही हूँ आज ज़रा अपने गेस्ट की चेयर पर भी बैठ के देखा जाए कि इधर बैठ के माहौल क्या होता है। हमेशा उम्दा क्वालिटी और आला मेयार का राइस अपने कस्टमर्स के लिए लाता है और अपनी इसी रवायत और उम्दा क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है आप लोग चाय के शौकीन, कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में चाय नहीं पीता गमी में खुशी में। सो उसके लिए इस्लामाबाद चाय की जो ज़बरदस्त ब्लेंड ऑफ टी लीव्स है वो अवेलेबल है। इस्लामाबाद चाय रखे शौक का भरम, जब जहाँ चाय इस्लामाबाद चाय, स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे हो रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए। इस्लामाबाद सुपर दाना चाय, सुपर दाना जो माने जमाना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय इस्लामाबाद सुपर दाना चाय। और उसके साथ साथ हमारी जो ट्रांसमिशन हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनस्पति, और हड्डियों को मजबूत रखता है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, हाई स्मोक पॉइंट यानी बहुत ज़्यादा गर्म होने के बावजूद भी इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। एंड ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी जो कि एयरपोर्ट के अकब में शामिल है, में वाक़ है, उधर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 5, 10 और 20 मरले के प्लॉट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं बहुत ही आसान अकसात में। तो इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.gracelandsocietyhousingsociety.com, इधर आप जा सकते हैं। तो अब हो गए ये हमारे सारे ज़बरदस्त जो स्पॉन्सर्स हैं। और उसके बाद ब्रेक पे जाने से पहले आपको जल्दी से बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी इस्तेमाल आज की कराची स्टाइल की चिकन बिरयानी में। इसमें आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं एक अदद चिकन है जो कि 16 से 18 पीस आपने कर लेने हैं। 1 से 1.5 पाव के करीब इसमें दही डलेगा, 2 अदद टमाटर डलेंगे, 2 अदद प्याज। जो बिरयानी का मसाला है वो घर में भी लोग बनाते हैं और जो बाज़ार का है रेडीमेड वो भी लेते हैं, एनी ऑफ द टू। साथ में जर्दे का रंग है, थोड़ा सा आधा टीस्पून केवड़ा एसेंस डालेंगे, सफ़ेद जो वाइट पेपर वो डालेंगे, और जब दम लगाएंगे तो ये देखें गोल टमाटर हैं, गोल टमाटर है, गोल कटे हुए लीमू हैं, पुदीने के खूब सारे पत्ते लेकिन अच्छी तरह आपने धो लेने, और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें आपने बहुत सारी मज़ेदार सी डालनी है इसमें, और हसबे ज़ायका नमक इसमें डलेगा। पहले हम चिकन को बनाएंगे, उसका पूरा ग्रेवी और उसको कुक कर लेंगे, उसके बाद प्री बॉयल ये देख लें कलार बासमती जो राइस है वो बॉयल कर ली है। बॉयल करने के बाद एक कनी आपने छोड़ देनी है, उसके बाद इसको हम डालेंगे तहे लगाएंगे और इसको दम पे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आपने इसको कुक करना है। वाला मज़ेदार सी जो है कराची स्टाइल की चिकन चटपटी मसालेदार बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। सो ऑन दिस नोट ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने सिर्फ पैन में डालना है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल 1 कप के बराबर, उसमें मैं प्याज डालूंगी और गुलदाद भाई लहसुन अदरक का पे लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें जाएंगे। पहले हम प्याज को थोड़ा सा सुनहरा करेंगे, उसमें चिकन शामिल करेंगे, मसाला डालेंगे, टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे, उसको अच्छी तरह कुक करके उसके बाद का जो प्रोसीजर है तह लगाने का वो आपके सामने होगा। सो आप इसमें यस आलू बुखारा इज़ ऑप्शनल, अगर आलू बुखारे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना उसके बगैर भी उतने ही मज़े की बनेगी। सो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है 3 गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। असद बिन कासिम हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। रिजवान अली होंगे हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, देखे मैंने अभी जिक्र किया और वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और अल्ताफ खान हैं MD J7 ग्रुप। तो ये 3 हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे, साथ साथ कुकिंग भी होगी, उनसे खूब सारी बातें भी होंगी और आप लोग भी शामिल हो सकेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि आज कराची स्टाइल की मसालेदार यमी लिशियस बिरयानी जो है वो बन रही है, और मैंने आपको इन्ग्रीडियंट्स उसके बता दिए थे कि क्या क्या होंगे। हमने सबसे पहले इसमें पैन के अंदर डालना है 1 कप के बराबर, क्योंकि दही भी डलेगा तो इसमें 1 कप के बराबर कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल 1 कप, 1 से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमने इसमें शामिल किया, थोड़ा सा और डालते हैं। तो
थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अभी चावल जो है वो बिल्कुल वो है ड्राई हैं। इसके अंदर अब हमने ये जो बिस्मिल्लाह मान रही, दो अदद प्याज हैं ये इसमें शामिल कर देने, ये आप देख लें। लहसुन अदरक का जो पेस्ट अगर आप चाहें, वरना मैं तो कुटा हुआ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद इसके अंदर ये डल गया, इसके बाद आपने इसको ढक दिया, और जैसे ही ये थोड़ा सा कुक होगा हमने चिकन जो है वो शामिल कर देनी है इसमें। चिकन में मैं पहले से थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए वो भी ज़्यादा अच्छा है। ये आप इधर कर लें, और इसमें हम 2 से 4 टेबलस्पून अभी मैंने सिर्फ इसमें ये दही शामिल कर लिया, और थोड़ा सा नमक मैं इसमें 1 से 1 टीस्पून के बराबर ये मैंने इसमें शामिल करके इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने इसको, ज़ाहिर है मैरिनेशन है तो इसको आप थोड़ा सा रख लें। हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है, मैं इस तरह बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी। आप बेशक दही जो है वो जब कुक हो जाए उस वक्त आप डाल सकते हैं। साथ में अभी साथ साथ आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती रहूँगी। सो कॉल कर सकते हैं आप 0518094521 पे। आज का सवाल है जो कि स्पॉन्सर किया है सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल ने, और ये आप विन कर सकते हैं। कुरान की किस सूरत को किरातुल वाजिबा कहते हैं, ये आपने जो है कॉल करके बताना है 0518094521 पे। एक कॉलर से बात करते हैं, फिर आपकी मुलाकात में आज के जो हमारे पहले 3 गेस्ट हैं उनसे कराती हूँ। ओके चलें, ठीक है, क्या किया जाए नाज़रीन। सो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जनाब असद बिन आज़म। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैलेसीमिया नाज़रीन एक बहुत ही बच्चों में और अदरवाइज, और इसके लिए लोग खून का अपना अतिया देते हैं और उससे आपका खून जो है वो बढ़ता है, तो ये भी एक सदका जारिया है कि आप जो अपना ब्लड डोनेशन है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है कि वो आपको हर एक को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें ताकि उसमें कोई आपको बीमारी या आपको कोई इस तरह की डिज़ीज़ नहीं है कि आप दे तो रहे हैं सदका जारी है लेकिन किसी और की ज़िंदगी से खेलना भी गलत बात है। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। दूसरे हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं हेड ऑफ़ सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रेसलैंड हाउसिंग जनाब रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप रिजवान? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। सो ग्रेसलैंड का भी मैं नाम ही ले रही थी, उसके हवाले से आपसे मैं ज़रूर पूछती हूँ। सो आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। मैं आप लोगों से गुजारिश होगी क्योंकि मेरा डिस्टेंस आप लोगों से थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। ओके वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ MD J7 ग्रुप मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। अच्छा ये सबसे पहले तो मैं, अब बात से बात निकलेगी, ये भी कुकिंग हो रही है, कि ये MD J7 ग्रुप है क्या? MD J7 ग्रुप MD स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर। सॉरी, MD स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं, J7 ग्रुप जो है, J7 एक रियल स्टेट का ग्रुप है। रियल स्टेट का okay. जो लाइक मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट की डेवलपर का काम करते हैं, मेगा हाईरेज प्रोजेक्ट करते हैं पूरे इस्लामाबाद पिंडी में। ओके जी, जो तो अभी आपका कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है? अभी हमारे ऑनगोइंग कोई 8 से 9 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, जिसमें हमारा मदर प्रोजेक्ट है J7 ग्रुप का, वो है J7 इम्पोरियम। ये 23 कनाल पे 26 स्टोरीज पे, इसमें मिक्स यूज डेवलपमेंट है। Okay. 5 फ्लोर पे कमर्शियल मॉल है, ऊपर होटल सूट्स भी और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है। अच्छा, और दूसरा हमारा मुमताज़ सिटी में J7 ग्लोबल के नाम से है, वो भी मिक्स यूज डेवलपमेंट है। और J7 आइकॉन मुमताज़ सिटी में, टॉप सिटी में दी सिग्नेचर के नाम से है, और मुमताज़ सिटी में एक और है हमारा हाई राइज प्रोजेक्ट J7 ग्लोबल अपार्टमेंट के नाम से। ओके ज़बरदस्त, वंडरफुल नाज़रीन, ज़बरदस्त। इतने आजकल रियल स्टेट की जो बिजनेस है ना प्रॉपर्टी की, वो काफ़ी बूम पे जा रही है। ज़बरदस्त, वंडरफुल। आपसे भी मैं पूछती हूँ, लेकिन हमारे साथ रिजवान अली साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि ग्रेसलैंड हाउसिंग जो आपकी सोसाइटी है उनके जो रूए रवा हैं वो भी मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त आई थिंक 2-2.5 महीने पहले की बात है, 3 महीने हो गए। Exactly. तो उसके बाद अब क्या नई डिवेलपमेंट स्टार्ट हो गया, क्या कम्प्लीट हो गया है? हमारे जो व्यूअर्स हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है। चूँकि
खैबर और K2 के साथ ऑन गोइंग हमारी कैंपेन्स भी उस तरह से चल रही होती है, और जैसे आपने बताया कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी आपके शो में आए थे, तो उसके बाद अभी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वेस्टलैंड हाउसिंग में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मेरे साथ जैसे आपने बताया MD बैठे हुए हैं J7 ग्रुप के, तो ये भी हमारे साथ ऑन बोर्ड आ चुके हैं। अच्छा, आप भी ऑन बोर्ड हैं? ये भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, पार्टनर्स बन गए हैं। एग्जैक्ट। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। तो ये भी वहाँ पे हाई राइज एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिक्स यूज, उसके साथ मुख्तलिफ डिफरेंट डेवलपर्स हैं जो कि अभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, बिकॉज वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट अपना जो ग्रेसलैंड हाउसिंग के हमारे सेक्टर्स हैं सारे, उसमें मैं अगर अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँ तो ग्रेसलैंड हाउसिंग जो है ये फतेहजंग रोड के ऊपर लोकेटेड है। सॉरी, फतेहजंग रोड के ऊपर लोकेटेड है, नेक्स्ट टू फजाइया हाउसिंग। दैट लोकेशन इज़ वेरी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल फ्राम इस्लामाबाद, अराउंड 20-25 मिनट्स ड्राइव फ्राम द अपना सिटी सेंटर, G10, G11 वगैरह से। और इट्स अ डेवलप हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें इमिजिएटली अगर कोई बंदा घर बनाना चाहता है तो वो डाउन पेमेंट दे के फ़ौरन अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। okay. और उसमें बेसिक फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत से रीनोन्ड जो बिल्डर्स हैं वो आके हमारे साथ जो है वो अपना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ग्रेसलैंड हाउसिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से अभी ये आबाद होता हुआ हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसको लोग ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बल्कि अपनी रेजिडेंस के लिए भी उसको ऑप्ट कर रहे हैं। ओके, ये बड़ी खुशायन एक बात है। तो अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी जो वेबसाइट है आपकी बताना चाहेंगे? gracelandhousing.com www.gracelandhousing.com पे आप जा सकते हैं इनकी सारी डिटेल्स, या फिर ईद के बाद जो है वो आपकी बाकायदगी से आपकी जो बुकिंग्स एंड ऑल वो आप एंटरटेन कर सकते हैं। एग्जैक्ट। ओके, वंडरफुल, ज़बरदस्त। कॉल भी कर सकते हैं 051-8094-521। अच्छा, हमारे साथ जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के, असद बिन आज़म। असद, ये एक तो थैलेसीमिया का थोड़ा सा बताएँ, जितने कॉमन हम लोग शायद ना किसी को पता हो कि ये है क्या, और ये जो ब्लड डोनेशन है ये कितना ज़रूरी होता है। देखें, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैं नाज़रीन को उसे बता दूँ कि प्याज और लहसुन अदरक और हरी मिर्चें मैंने इसमें फ्राई कर ली हैं, ये आप देख लें। इसके अंदर अब मैं जो ये मैरिनेटेड चिकन है ये अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, बन रही है चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी। जी थैलेसीमिया एक जेनेटिक मसला है जो कि वालिदैन से बच्चों में आता है। okay. और जो है यही कहा जाता है कि शादी से पहले एक टेस्ट करवा लें थैलेसीमिया का कि आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर मियां बीवी दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो थैलेसीमिया मेजर जो बच्चा है वो पैदा हो सकता है, जिसे खून की मुसलसल ज़रूरत होती है, और वो हर 15 दिन के बाद, महीने बाद मुसलसल खून लगाता है जिससे वो ज़िंदगी गुजार सकता है। ओके, इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम पार्क्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, हमें बेतहाशा शॉर्टेज है ब्लड की इन बच्चों के लिए। इस वक्त हमारे इदारे में पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में 2500 से ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो आपके अटक से, कश्मीर से, मरी से, टेक्सला से, दूर दराज इलाकों से हमारे पास आते हैं और उन्हें मुफ्त ब्लड लगता है। okay. तो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ज़रूर अपील करूंगा कि माह रमज़ान का महीना है, बल्कि उलमाए कराम का ही कहना है कि रोज़े की हालत में भी आप खून का अतिया दे सकते हैं। अच्छा, खून का अतिया दे सकते हैं? जी बिल्कुल। okay. और खून का अतिया ना सिर्फ सदका जारिया है बल्कि आपके जिस्म की ज़कात भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने किसी एक इंसान की जान बचा ली गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा ली। तो आपके खून के अतिये से किसी मासूम बच्चे को ज़िंदगी जीने की ताकत और हिम्मत मिल सकती है। बिल्कुल। तो क्या ही बात हो कि हम में से कोई अपने खून का अतिया देकर किसी मासूम बच्चे को ज़िंदगी का तोहफा दे दे। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अक्सर मेरे हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद में मैं देख रहा था कि हमारा पिछले हफ्ते ये कैंप था। आप यकीन जानिए मुशी कि हमने कैंप किया और अनाउंस किया कि ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। ऐसा लग रहा था इस तरह पूरा इस्लामाबाद की आवाम उमड़ आई है खून का अतिया देने के लिए, कितारें लग गई।
तो अगर हमारे माशरे में शऊर पैदा किया जाए तो यकीनन हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो अक्सर मैं अपने स्टेटस पर जब लगाता हूँ ब्लड डोनेशन के हवाले से, तो लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ को कि भाई तुम क्या हर वक्त जो है वो ब्लड डोनेशन खून का अतिया दो लगाते रहते हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आज के मैं उन हज़ारों लाखों मासूम बच्चों के जीने की उम्मीद हूँ। यकीनन ये खून का अतिया ना सिर्फ सदका जारिया है बल्कि एक जहाद भी है, और ऐसा जहाद है कि आप कई मासूम जिंदगियां बचाने का एक हौसला हैं, उनकी हिम्मत हैं, उनकी एक ताकत हैं। तो अपने खून का अतिया ज़रूर दें और इंसानियत बचाने के, मासूम जिंदगियां बचाने के इस अजीम मिशन में हमारा साथ दें। ज़बरदस्त नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ खून का अतिया देने से पहले अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट, अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यू नीड टू, ये ना हो कि आप एक अच्छा काम करने के पीछे जो है सोचे समझे बगैर करें और किसी को कोई और मूजी मर्ज जो है लाहक हो जाए। तो बड़ी ज़रूर आप लोग, आपका जो वेबसाइट है, पेज है हमारा पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, उसे फॉलो करें। हमारे कैंप्स जो होते रहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स, उसके मुताबिक भी अभी आपने बात की कि जो बीमारियां होती हैं उसको किस तरह हम कर सकते हैं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो हम लोग 3 से 4 टेस्ट हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, सिफिलिस के। तो ये आप ना सिर्फ ब्लड डोनेट करें बल्कि ये 3 से 4 टेस्ट आपके फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इस लिहाज से आपका खून का अतिया आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। फ़ायदा भी है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है। आप इनका फेसबुक पर फॉलो भी कर लें और पाकिस्तान थैलेसीमिया सोसाइटी जो है उसके जो भी डिटेल्स हैं वो आपको जाके सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। अच्छा, आप वापस आते हैं जी, मैनेजिंग डायरेक्टर J7 ग्रुप अल्ताफ खान साहब, ये भी एक खुशाइन बात है कि आपकी ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी के साथ मर्जर हो गया है। जी बिल्कुल, तो अब आप पार्टनर्स बन गए। तो कितना अरसा हुआ आपको इनके साथ अब? जी देखिए, ग्रेसलैंड टोटल जो है ना 4000 कनाल पे है, तो हमने हमारे एक टीम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D टीम, तो मेरी बात चल रही थी इनसे कि आप वहाँ पे जाके विज़िट करें। उन्होंने कहा कि सर वहाँ पे 4000 कनाल ज़मीन है, तो उन्होंने तकरीबन 90% सोल्ड आउट किया है। तो वहाँ पे डिफरेंट लोग आएंगे घर बनाने के लिए, तो वहाँ के लोगों की नीड थी कमर्शियल की ना, वहाँ के लोगों की एक शॉप्स की नीड थी, अपार्टमेंट की नीड्स थी, ऑफिस की नीड थी। तो फिर उसके बाद हमारे हमने उनके साथ मीटिंग की ग्रेसलैंड के डायरेक्टर के साथ, तो फिर इस तरह हमारा उनके साथ योग है कि इंशाल्लाह आपका जितना भी कमर्शियल है उसको हम आबाद करेंगे, उसको हम डेवलप करेंगे। तो फ्रॉम लास्ट आई थिंक 10 डेज हमारी उनके आपस में MOU साइन हो गई है। तो मुबारक हो, खैर मुबारक, मुबारक हो नाज़रीन। डील साइन अप जब होती है ना, चाहे वो दो लोगों के शादी की हो या मर्जर की हो, आपस में पार्टनरशिप की हो, तो डील अच्छी होती है। मतलब फिर मिठाई विठाई भी बटी होगी। जी बिल्कुल बटी हुई है। हमारे लिए नहीं लेके आए आपके अफ्तारी में, हम लोग भी मिठाई खाए। बट ये कि नाज़रीन मुबारक हो, हर चीज़ हर की खुशी में थोड़ा सा खुश ज़रूर होना चाहिए। और 2 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं यहाँ की सूरत हाल भी जितने व्यूअर्स हैं, क्योंकि कराची स्टाइल की जो चिकन बिरयानी है वो बहुत लोगों को पसंद है और मतलब बहुत ही मज़े की होती है। अब आप देख लें कि इसमें ये अच्छे तरीके से भुन रही है। इसके अंदर अब मैंने शामिल करना है पूरा 1 कप के बराबर ये बिरयानी का मसाला। घर का बना हुआ हो तो ज़बरदस्त है, कोई बात नहीं। घर पे नहीं है तो आप बना बनाया, थोड़ी ज़िंदगी आसान भी करनी चाहिए। और इसी में मैं 2 अदद जो कटे हुए टमाटर हैं ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि जब हमारी तह लगे, वैसे तो तह लगती है तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन ये बिरयानी वाली तह जब लगेगी तो इंशाल्लाह। और इसमें मैंने जो जर्दे का रंग है वो थोड़ा सा घोल के रखा है, और इसको मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें बड़ा प्यारा सा कलर आएगा जब हम तह लगाएंगे। बाकी हमने साइड पे रख दिया। इसमें अब जैसे ही थोड़ा सा ये जो टमाटर हैं ये गल जाएंगे, तो इसमें 1/2 कप के बराबर मैं इसमें दही डालूँगी, क्योंकि उससे वो ग्रेवी बनेगी। तो तह जब लगेगी तो फिर चावल और इसका मिक्सचर जो है ना वो बड़ा मज़ा है। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें 1 कप के बराबर, और जो बाकी दही बच जाए उसमें आपने क्या करना है, ज़बरदस्त सी रायता बनाना है। मैं बनाऊंगी रायता इसका प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और खीरे का, और बीच में थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है विद द चिकन चटपटी बिरयानी। ये मैं इसमें 1 कप दही डाल दिया मैंने,
शामिल कर दिया और इसको अब मैं अच्छी तरह कुक करेंगे। लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक की इशारा आ गया, तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं K2 TV की खसूसी रमज़ान नशरियात, रमज़ान शादमान। मैं हूं मिशी खान। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से पहले हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, साथ साथ चटपटी कराची स्टाइल की मज़ेदार बिरयानी बन रही है, चिकन बिरयानी। तो अब आप देख लें, ये जो चिकन है ये रेडी हो चुका है, इसको मैं साइड पर रख रही हूँ। और ये तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि बिरयानी कैसी बनी। और अब मैं इसमें बिरयानी की ही देगची होती है एक्चुअली, जो कि इस तरह की होती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें छोटा साइज़ भी अवेलेबल है, क्योंकि चावल जब तक फैले हुए नहीं हो, तो अगर बहुत ज़्यादा घुटी हुई देगची में बनाएंगे तो वो इतने मज़े का नहीं, खुली देगची में बनाएंगे। और ये है भी बिरयानी की ही देगची, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा ये कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि जिस तरह आप बेकिंग के दौरान ग्रीस करते हैं, इसी तरह देगची को हमने थोड़ा सा ग्रीस करना है, थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करके। उसके बाद हम तेल लगाना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी साथ साथ हैं। असद बिन आज़म हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। उनके बारे में और उस सोसाइटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। रिजवान अली हैं, हेड ऑफ़ सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी। एंड अल्ताफ़ खान हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर J7 ग्रुप। इनका दोनों का मर्जर हुआ है कंपनीज़ का, और अब ये पार्टनर्स बन गए। तो मैं पूछना चाहूँगी, जब तक मैं ये तय भी लगाती हूँ, अच्छा आपने क्या करना है, ये ऑयल को आपने अच्छी तरीके से इस तरह ग्रीस कर लिया। और उसके बाद हम ये जो एक कनी बॉईल किए हुए चावल हैं, पहले ये नहीं डालेंगे, इससे पहले जो ये चिकन है इसका जो ग्रेवी है वो हम पहले डालेंगे, ताकि जो चावल हैं नीचे चिपकेंगे नहीं। और मैं पूछना चाहूँगी आपसे, अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले मैं ये ज़रा तय लगा लें, पहली वाली तय। तो आपने सिर्फ इसमें बोटी नहीं डालनी, सिर्फ जो ग्रेवी है उसको नीचे इस देगची के अंदर डालना है। अच्छा ये मुझे बताएं कि आवाम के लिए आप 5 मरला, 10 मरला और आई थिंक 20 मरला और इससे ज़्यादा के भी अवेलेबल हैं, तो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि J7 ग्रुप का और ग्रेसलैंड का मर्जर नहीं हुआ, ये मतलब पार्टनरशिप हुई है। नहीं, पार्टनरशिप, दे आर जस्ट डूइंग अ प्रोजेक्ट ओवर देयर। अच्छा, प्रोजेक्ट टुगेदर, ओके। बाकी ये है कि ग्रेसलैंड हाउसिंग इज अ सोल अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट, सिंगल ऑनर प्रोजेक्ट है, और इसमें कोई मल्टीपल ऑनर्स नहीं है। इट्स NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट एडजेसेंट टू न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली। और इसकी बैक साइड के ऊपर हमारे पास चूँकि CPAC और रिंग रोड का इंटरचेंज आ गया, तो दैट लोकेशन इज़ वेरी यू नो अट्रैक्टिव फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो उसमें अभी हमने रिसेंटली एक ब्लॉक लॉन्च किया था, जिसमें हमने 5 मरला 138 स्क्वायर यार्ड और अपना जिसको 2550 कहते हैं, और उसके साथ 3.5 मरला के लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किया था, जो कि इन व्यू टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान व्यू फॉर द नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो उसमें जो हमने पेमेंट प्लान रखा और जो प्राइसेस रखी, वो पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेंगी। ओके। एंड ऑन द फेस ऑफ द डेवलपमेंट दैट वी हैड हियर ऑन ग्रेसलैंड हाउसिंग एंड ऑन द फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड, और जो कमर्शियल्स हमारे पास शुरू हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मिक्सअप होके एक आइडियल इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वहाँ पे आबादकारी होती रहेगी, लोग वहाँ पे शिफ्ट होते रहेंगे, और जैसे कमर्शियल्स वहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो लोग अब बड़े सीरियसली उस प्रोजेक्ट को फॉर देयर रेजिडेंशियल यू नो अपना पर्सपेक्टिव के लिए वो ऑप्ट कर रहे हैं। तो उससे ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो आप एक बंदा जो आज के दौर में सीरियस है अपना प्लॉट खरीदने के लिए, और वो कम से कम 1,000 रुपये पर डे की सेविंग कर सकता है अपनी, तो ही कैन ओन अ प्लॉट इन ग्रेसलैंड हाउसिंग फॉर 5 मरला, ठीक है। और अगर इस्लामाबाद की बात करें, तो इस्लामाबाद में चूँकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है, और इस्लामाबाद में दो ही क्लासेस रह रही हैं, एक है जो CDA की सेक्टोरियल डिवीजन है बेसिकली,
एक का नाम है अपर मिडिल क्लास और दूसरी का नाम है एलीट क्लास। उसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और लैंड की बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। तो अभी जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ग्रेसलैंड हाउसिंग भी है, तो वी आर ऑफरिंग द बेस्ट प्लॉट्स ऑन बेस्ट प्राइसेस नियर टू न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज न्यू इस्लामाबाद कमिंग सून इंशाल्लाह। न्यू इस्लामाबाद इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़बरदस्त आप लोगों के लिए न्यूज़ है, और ज़बरदस्त न्यूज़ ये भी है कि पहली तय जो है वो लग चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा देती हूँ। इस तरह आपने इसको, इसमें मैंने जो घोला था ये देख लें, ये पहली तय है। इसके ऊपर मैं दूसरे ये जो चावल हैं इसको हम कवर कर देंगे, इससे इसको कवर कर दिया, और इसके बाद मैं इसके ऊपर फाइनल लेयर लगा के और फिर हम इसको 10 से 12 मिनट तक दम पे रखेंगे। गीला कपड़ा आपने लगाना ज़रूर है ताकि स्टीम जो है वो अंदर इसके बन जाए। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा लेवल कर लिया, और लेवल करने के बाद अब इसमें हम फाइनली ये जो रह गई है चिकन इसको आपने ऊपर से डालना है। हाँ, नीचे वाली लेयर में मैंने 2 से 4 टीस्पून जो है उसके डाले हैं, जो हमने केवड़ा एसेंस, और साथ में जो मैंने जर्दे का रंग है वो मैंने इसमें शामिल किया था, वो मैंने इसमें नीचे डाल दिया। इसको अब हम थोड़ा सा फैला लेंगे, और जो फाइनली पुदीना लीमू, ये देख लें आपने इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे फैला के इसके ऊपर रख देना है, और साथ साथ हमारे एक कॉलर हैं, और उसके बाद इसको हम दम पे रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? आपदा बात कर रही हूँ। आपदा कौन बात कर रही हैं? आपदा बात कर रही हूँ बखर से। जी जी आपदा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी आपदा? अभी आपको बहुत शोर शोर से दिखते हैं। क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें। अच्छा, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी, आप विन भी कर सकती हैं इसका गिफ्ट, और ये है आज के सवाल का जवाब है सूरत अलक। सूरत अलक, सूरत अलक, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। अब देखते हैं कि अगर सही हुआ तो फिर वो कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा और आप हमारा गिफ्ट हैम्पर जो है वो जीत सकती हैं। अब नाज़रीन फाइनली इसकी तय लग चुकी है, लग रहा था 2 साल से तय ही लगा रही हूँ मैं। ये देख लें, ये फाइनल तय है इसकी, ये देखें फाइनल तय, और इसके ऊपर अब मैं केवड़ा एसेंस और जो बाकी रिमेनिंग है वो हमने साइड पर इस तरह करके ये शामिल कर दिया ऐसे, और अब गीला कपड़ा आपने डैम्प कपड़ा जो है वो हम इसके ऊपर देगची पे इस तरह लगा देंगे, और इसके बाद इसको टाइट तरीके से आपने तवे के ऊपर रखना है 12 से 15 मिनट, और उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। अच्छा रिजवान, आप बताना चाहेंगे, सॉरी असद, ये बताना चाहेंगे कि बेस्ट टाइम जो है वो क्या, अगर किसी ने हेल्दी खून डोनेट करना है तो वो क्या टाइम होता है, सुबह दोपहर शाम या कोई भी टाइम हो सकता है? क्योंकि खून का अत्या देने से पहले तुम्हें लोगों के में शक होता है कि यार डर है, खौफ है कि खून का अत्या देने से वो कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि खून का अत्या देने से आप मज़ीद तंदुरुस्त हो सकते हैं, मज़ीद एक सेहतमंद ज़िंदगी उतार सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आप साल में 3 दफ़ा खून का अत्या दे सकते हैं, जो आपको कैंसर और दिल के बड़े अमराज से बचा सकता है। याद रहे कि खून का अत्या देने से आपकी सेहत पर, तबीयत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और खून का अत्या के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खून का अत्या देने से ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, बल्कि दूसरों को ज़िंदगी का एक तोहफ़ा दे सकते हैं, और आपके खून के एक अत्या से 3 जिंदगियाँ बच सकती हैं। तो ज़रा सोचिए, आप एक नहीं, 2 नहीं 3 जिंदगियाँ बचा रहे हैं, तो कितना बड़ा अजर अजीम है, कितना बड़ा सवाब है। तो खून का अत्या देते रहें, मासूम ज़िंदगियाँ बचाते रहें, और यकीनन ये बहुत अजीम काम है कि आप के खून के अत्या से, आपकी ज़िंदगी से किसी को ज़िंदगी मिल सकती है। काश हमारी ये छोटी सी नेकी कल रोज़े महशर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी शफ़ात का ज़रिया बन जाए, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, हमारी मकफ़त का ज़रिया बन जाए। क्योंकि जिसने किसी एक की ज़िंदगी बचा ली, एक इंसान की ज़िंदगी बचा ली, गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। ज़बरदस्त बात की है नाज़रीन, तो इसके ऊपर भी प्लीज़ गौर किया करें।
आई नो बहुत स्ट्रेसेस हैं, बहुत स्ट्रेन्स हैं. अब ये हमने बिरयानी रख दी, इसके ऊपर मैं कोई भी आप जो है हैवी चीज़ रख दें ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर जो है. बिरयानी या चावलों का सबसे मेन चीज़ ही होती है क्या उसकी जो दम होता है. अब मैं आ जाऊँ, अब मुझे आप लोगों की बातें समझ आएंगी सही सही. अच्छा जी, अब आ जाते हैं अल्ताफ़ खान साहब. अल्ताफ़ खान साहब, इनके अलावा इनके साथ जो आप मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है और वाकई कहाँ पे है वो? इसके अलावा जो हमारा मैंने जैसे स्टार्ट में आपके साथ जिक्र किया मल्टी गार्डन B17 में, जैसे B17 ये है किस तरफ है B17? ये मेन GT रोड पे टेक्सला से कुछ पहले. अच्छा, यहाँ पे J7 एम्पोरियम के नाम से है. J7 एम्पोरियम के नाम, तो उसमें क्या क्या होगा? ये 23 का नाल पे मिक्स यूज प्रोजेक्ट है. इसमें कैश एंड कैरी है, कमर्शियल शॉप्स है, फूड कोर्ट्स हैं, और उसमें जिम है, स्विमिंग पूल है. फर्स्ट ईयर हम पाकिस्तान में स्काई वॉक ब्रिज देने जा रहे हैं, लाइक दो बिल्डिंग को दरमियान में मर्ज करने के लिए स्काई वॉक ब्रिज देने जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे एक 5-स्टार होटल है, उनके साथ भी हमने MOU साइन किया है. होटल सर्विस अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, फूड कोर्ट्स है यहाँ पे. मतलब एक छत के नीचे आपको सारी जो भी फैसिलिटीज, मतलब मॉल की तरह है. मॉल की तरह J7 मॉल, J7 एम्पोरियम, J7 एम्पोरियम है. और डी ये आई थिंक मल्टी गार्डन B17 वॉक एंड से 5 किलोमीटर पहले टुवर्ड्स इस्लामाबाद. ओके, और ये क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि वॉक एंड से पहले D17 एक एरिया है जी, D17 भी और एक B17 जी. तो आप ये ना समझना D17 जो इस्लामाबाद वाला है, क्योंकि ये डिफरेंट वाला है, कुछ एक है ना कंफ्यूजन भी हो जाता है. इस्लामाबाद वाला ये B17 है, वो B17. सो अब बताएं कि उसके लिए अगर अभी से बुकिंग करानी है तो आपका कोई वेबसाइट या कोई है सर? उसका है बिल्कुल www.j7emporium.com. 25% डाउन पेमेंट है, बाकी 4 ईयर का इजी पेमेंट प्लान है. 4 ईयर्स में आप इजी जो पेमेंट प्लान है वो दे सकते हैं. सो इट्स वंडरफुल, ज़बरदस्त. आजकल मेरे ख्याल में लोगों को बजाय इसके कि आप कपड़े जूते और इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी, कि प्रॉपर्टी में बाकी में इंसान को इन्वेस्टमेंट, जो कोई बेशक 5 मरले का प्लॉट ही ले लें आप, क्योंकि उसकी प्राइस गोल्ड की तरह बढ़ती है हमेशा. बिल्कुल ऐसा ही है. ओके, वंडरफुल. आपका कोई ऐसा लो वाला बजट वाला, क्योंकि कोई भी इंसान अपने फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं, कि फ़ौरन से अगर करें तो उसको आप क्या उसमें रियायत देते हैं, कि मतलब होता है ना 3 महीने के बाद आपको पैसे देने होते हैं, तो ज़रा लो इनकम लोग जो हमारे देख रहे हैं वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका. ऐसे है कि ग्रेसलैंड हाउसिंग का जो वैली ब्लॉक है, इसकी बुकिंग अभी रमज़ान के फ़ौरन बाद 15 दिनों में क्लोज़ हो जाएगी इंशाल्लाह. उसमें जो जनरल पब्लिक है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. उसमें जो 5 मरले का प्लॉट है हमारा, उसकी प्राइस बड़ी नॉमिनल है, जो कि पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, विच इज़ लेस देन 2 मिलियन एंड 20 लाख रुपये. और उसमें जो डाउन पेमेंट है वो बड़ी रीजनेबल है, 20% डाउन पेमेंट है उसकी, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है 25,000 रुपये, विच इज़ लाइक यू नो 1,000 रुपये अगर कोई बंदा अपना सेव कर सकता है महीने का, पर डे. और वो वाकई सीरियस है कि वो अपना कोई ना कोई घर खरीदना चाहता है. देखें, घर वो लोग बनाते हैं जो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने अपना रिश्ता मजबूत बनाया हुआ है, और वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप अपनी सेविंग है वो किसी एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं. कोई ना कोई आपने ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा हुआ है, जैसे आपने बताया सोने का, कि ये भी प्रॉपर्टी भी सोने की तरह है. तो इसको हम कहते हैं कि लैंड बेसिकली एक फिनाइट कमोडिटी है, इट्स नॉट यू नो मेकिंग एनीवेयर एल्स. जो कुछ है वो बस है. अगर आपने एक पीस ऑफ लैंड ओन कर लिया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो इसके साथ साथ वो उसकी जो अप्रिसिएशन है वो ऊपर ही जानी है इंशाल्लाह. ठीक है, ज़बरदस्त नाजीन. ये भी है कि 20 लाख रुपए जो है वो आप डाउन पेमेंट दें, और फिर 5 मरले का जो उसकी 20 लाख रुपए प्राइस है. टोटल प्राइस 20 लाख है. ओके, 138 स्क्वायर यार्ड की, और जो कि 5 मरला है, और उसमें 20% डाउन पेमेंट है, और बाकी उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 20% डाउन पेमेंट भी बता दें, विच इज 4 लाख रुपीस. 4 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देते हैं उसकी, तो उसके बाद कितने महीने के बाद किस्तें शुरू होंगी उसकी? हर महीने के बाद, एवरी मंथ. तो आपको 25,000. एग्जैक्टली 2.5 इयर्स पेमेंट में. तो गाड़ी भी लोग लेते हैं वो, जो खैर अब तो नहीं मिलती नाजी, अब जरा
उसकी किस्त ज्यादा बढ़ गई होगी, प्राइसेस ऊपर चल गई, लेकिन ये कि ओनिंग अ लैंड इज बेटर देन हैविंग अ कार, हैविंग अ कार, एग्जैक्टली, बिकॉज़ वो डेप्रिशिएट कर रही है, जैसे वो चल रही है वो डेप्रिशिएट हो रही है, और जो आप लैंड खरीद रहे हो वो एक अप्रिसिएशन एसेट है, अप्रिसिएशन विद एवरी पासिंग सिंगल डे द पीस ऑफ लैंड दैट यू एक्वायर, वो उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा, और सिर्फ वो जिस एरिया में ग्रेसलैंड लोकेटेड है, सिर्फ वो एरिया नहीं, और भी हाउसिंग, देयर इज यू नो बेसिकली क्लस्टर ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें ग्रेसलैंड हाउसिंग भी लोकेटेड है, तो वो पूरा एरिया ही उठ रहा है, जो कि एक नया इस्लामाबाद बन रहा है, नियर टू न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जबरदस्त आज़ीन, ये बड़ा एक खुशाइन बात है, और ज़रूर आप इन्वेस्ट करें, और कहते हैं ना फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंसान को वेल इक्विप्ड होना चाहिए मॉनिटरली, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द फाइनेंसेस। एग्जैक्टली, तो ये कि कभी आपको जरूरत पड़े, कोई बीमार खुदा ना करे हो जाए, तो आप वो प्लॉट को सेल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो बेसिकली आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है पड़ी हुई, चलती फिरती। सर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में? मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में ये कहूँगा कि ग्रेसलैंड तकरीबन 4000 कनाल पे मुहित है, तो यहाँ पे लाइक लोगों के एक नीड थी कमर्शियल प्रोजेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे अभी जिस तरह है कि पोजीशन उन्हें दे दी है, अब माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है, यहाँ पे ईद के बाद घर भी बन रहे हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक जहाँ पे लोगों को कैश एंड कैरी की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों को जिम की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों को एक ब्रांडेड शॉप ब्रांड्स की ज़रूरत है, फतेह जंग, पिंडी गेप, जंग, ये जितने भी ये एरिया है सराउंडिंग एरिया, ये लोग यहाँ से जाते थे शॉपिंग के लिए पिंडी इस्लामाबाद में। बिल्कुल, तो हमने सोचा इन लोगों की नीड के लिए, और 4000 कनाल इसकी अपनी भी आबादी है, तो यहाँ पे क्यों ना हम एक ऐसे शॉपिंग मॉल बनाएं कि ये पूरा एक एरिया जो है ना वो यहीं पे एक छत के नीचे, लाइक इनको जिम की भी फैसिलिटी हो, मेडिकल भी हो, ऑफिसेज भी हो, शॉप्स भी हो, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हो, होटल सूट्स भी हो ना। तो मैं यही कहूँगा अपने इन्वेस्टरों को, अपने डीलर्स को, कि आप आएँ ईद के बाद ग्रेसलैंड में इन्वेस्ट करें, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो मैं रखा रुक गए सोचने के लिए कि आगे कुछ कह रहे हैं ना, मैं इसलिए सोच रही थी कि नहीं, थैंक यू, बड़ा ज़बरदस्त आपके पास नाज़रीन अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि अब हमें ब्रेक पे जाना है, तो मैं चाहूँगी कि प्यारे से हमारे रिजवान अली, हेड ऑफ़ सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट के अकब में मौजूद है, आप जाके उसकी रेकी भी कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और अपने पैसे को सिक्योर करें और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, जो कि मतलब जो है योर ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ करें। तो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी पैगाम ग्रेसलैंड हाउसिंग के जितने अलॉटीज हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं, और जो हमारी बिजनेस पार्टनर हैं, रियल इस्टेट कम्युनिटी है, उन सबको ग्रेसलैंड हाउसिंग की तरफ से एक तो एडवांस में ईद मुबारक, अपने रोज़े आप सब लोगों ने जो रखे हैं, अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, और इंशाल्लाह ईद के बाद ग्रेसलैंड हाउसिंग में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स के साथ, एक दफ़ा फिर एक नए अज़म के साथ, के लोगों को अच्छी जो फैसिलिटीज़ है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, उसको देने के अज़म के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट अफ्तार, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ खान साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है J7 ग्रुप, इनको भी आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इन नेट पे और सोशल मीडिया पे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से जितने भी नाज़रीन हैं सबको एडवांस में ईद मुबारक, और बस ये कि इंशाल्लाह ईद के बाद जैसे रिजवान साहब ने कहा कि ग्रेसलैंड सोसाइटी में एक नई डेवलपमेंट के साथ, एक नए सोच के साथ, इंशाल्लाह यहाँ पे डेवलपमेंट का काम, नए प्रोजेक्ट्स भी होंगे, इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं सबको दावत दूंगा कि ईद के बाद आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मजीद बढ़ाएं। ज़बरदस्त आपका पैगाम, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, इनको भी आप सर्च कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, असद बिन आज़म, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आखिरी दिन है रमज़ान के, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस ईद पर इन खुशियों में ज़रूरतमंद जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें, और पिंडी इस्लामाबाद ये इससे मुलहका जितने भी इलाके हैं, कहीं भी थैलेसीमिया के बच्चे को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो हमारे सेंटर पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी आकर ब्लड लगा सकता है, उससे मुफ्त ब्लड मिल जाएगा। ओके ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू तीनों मेहमानों का। एक क्विक सी तस्वीर और उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। स्माइल,
थैंक यू। अब चलते हैं क्विक से नाज़रीन ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ तीन और मेहमान हैं जो सब गमों की दवा मदीने में, सब गमों की दवा मदीने में, सब गमों की दवा मदीने में, है मेरे मुस्तफा मदीने में, सब गमों की दवा मदीने में। क्यों ना बारिश वहाँ हो रहमत की, क्यों ना बारिश वहाँ हो रहमत की, है वो नूरे खुदा मदीन, सब गमों की दवा मदीने में। और जिनको जहरा बतूल कहते हैं, जिनको जहरा मदीने में, सब गमों की दवा मदीने में। और फिर वो मंगता नहीं रहा आजिज, फिर वो मंगता जिसने की है सदा मदीने में, सब गमों की दवा मदीने में, सब गमों की दवा मदीने में। रसूल मकबूल नाज़रीन व वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं अरसलान अरसलान अजरम जो है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत नाते रसूल मकबूल पढ़ी। आपके लिए कलार बासमती की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू नाज़रीन। मैं ब्रेक से पहले हमारे साथ जो गेस्ट थे वो अब यहाँ से रुख्सत हो गए, चार और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया और सारे अपनी अपनी फील्ड में मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। और कोविड 19 जिसको कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, उसके हवाले से आज का जो ये हमारा सेगमेंट और पूरे ये जो चारों गेस्ट हैं ये बहुत ही मुफीद मालूमात आपको देंगे, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा क्योंकि ये टॉप जो आपके लैब्स हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उनके रूए रवां भी हैं, साथ हमारे साथ बहुत ही पाए के डॉक्टर भी हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी मेजर रिटायर्ड डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान, जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसको IDC के नाम से जो है जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप आए। नाज़रीन ये सबसे मुश्किल काम है इन लोगों का, इसके लिए चारों जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स बैठे हैं ये बहुत मुश्किल काम इस वक्त कर रहे हैं। और आप लोगों के तावन से आप लोगों की जो आज इनकी गौर से बातें सुनिएगा ताकि आप लोगों का जो है ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। सेकंड हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं CEO एक्सल लैब
डॉक्टर नसीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का फजल। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो यंग, एनर्जेटिक और इस फील्ड में मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हैं और बड़ी अच्छी मालूमात आज आपको देंगे। CEO हैं अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीमार डायग्नोस्टिक्स हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान तारिक सेठी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? आपको बता दूं दोनों के सरनेम है तो दोनों फर्स्ट कजन्स भी हैं। मैंने कहा बता दो सर। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, आप कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर हैं IDC यानी इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। एक तो बताएं कि क्योंकि कोविड इज़ द मेन टॉपिक नाउडेज, तो उसके हवाले से आपके वहाँ पे रिपोर्ट्स होती हैं, टेस्टिंग होती है, तो कोई डिटेल्स बताना चाहेंगे जितने हमारे लोग देख रहे हैं ताकि उनका नॉलेज में इजाफा हो? बिल्कुल मैम, IDC जो है इस डिजीज़, इस पेंडेमिक के स्टार्ट होते ही सेवरल स्टेजेस ऑफ द चैलेंज में आवाम के साथ रहा। तशखीस में पहले हमने सबसे ज़्यादा PCRs किए, फिर IDC का एक खासा ये है कि रेडियोलॉजी भी उसी बिल्डिंग के अंदर है, सो वी गो विद लैब एंड रेडियोलॉजी टुगेदर। वहाँ पर CT स्कैंस हैं, MRIs हैं, तो तशखीस में बिसाइड्स PCR CT स्कैन चेस्ट का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से जो अगर PCR से भी ना डायग्नोज हो सके तो HRCT से PCR वुड बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके, द थर्मल साइक्लिंग, जिससे वो हम नाक से और मुंह से जो सैंपल लिया होता है उसके जीन को हम मल्टीप्लाई करते हैं इतना कि वो डिटेक्टेबल लिमिट में आ जाए। ओके। तो दैट्स द PCR, द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डिटेक्शन। तो तशखीस में ये टेस्ट काम आए और हमने बहुत ज़्यादा किया, जिससे फिर हमने NCOC के साथ, गवर्नमेंट ऑफ KPK के साथ कलेब्रेशन की और उन्हें स्मार्ट लॉकडाउंस लगाए इन द एरियाज दैट वर मार्कली पॉजिटिव, हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल विद दिस डिजीज। ओके। उससे डिजीज कंटेनमेंट में फ़ायदा हुआ। ठीक है। पाकिस्तान की मिसाल लोग देते थे कि इन्होंने अच्छा काबू किया। बिल्कुल सही कहा जी। तो उसके बाद मतलब अगला ये होता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन का दौर आया, वी हैड एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर ओवर देयर, सो उसी स्टेज को भी हमने कवर किया। बहुत सारे लोगों को हमने, जो रशिया से हमें इंपोर्ट वैक्सीन की मिली थी, उससे हमने फैसिलिटेट किया। ओके। साथ साथ हम मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज के लिए जो ब्लड टेस्ट बहुत सारे ज़रूरत होते हैं सिवियर केसेस के अंदर, डीडाइमर, CP, CRP वगैरह, ये भी सारे अंडर वन रूफ हम कंडक्ट करते हैं। सो एट ऑल स्टेजेस ऑफ द डिजीज वी हैव ट्राइड टू बी विद आवर नेशन, ताकि ये चैलेंज तो है लेकिन इसके साथ हम नब्रत आजमा हो सकें। ज़बरदस्त, वेरी वेल आर्टिकुलेट तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई होप जितने लोग हैं उसको गौर से सुनेंगे। वंडरफुल सर। जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो CEO है एक्सेल लैब, जनाब डॉक्टर नसीर अहमद साहब। सर सेम क्वेश्चन कि जब पेंडेमिक शुरू हुआ, माशाल्लाह से ये दोनों जो लेबॉरटरीज हैं, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर एंड एक्सेल लैब, दे बोथ आर ऑन टॉप और बड़ी मुस्तनद, जहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, तो सर आपका इसके ऊपर क्या मुशाहिदा? हमने भी बिल्कुल, अब साल हो गया हम भी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर रहे हैं PCR के लिए। थोड़ा सा क्योंकि मैं अमेरिका में ट्रेन हुआ था तो मेरा डिसिप्लिन थोड़ा फ़र्क है, हम लोग ज़रा कभी कभी ऐसा भी स्टार्ट लेते हैं लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम किया जाए जी। और हमने मुल्क के अंदर भी किए हैं, फ्री कैंप्स भी किए हैं हमने कई इलाकों में, हज़ारा रीजन में कई कैंप्स किए हैं और पिंडी इस्लामाबाद में भी, जो फ्री हमने लोगों को स्क्रीनिंग दी है। और इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि हर टेस्ट जो है उसी मैार का, उसी स्टैंडर्ड का हो। और उस स्टैंडर्ड का जो हमें फ़ायदा हुआ है कि हम एक साल से कर रहे हैं और माशाल्लाह सारी मेजर एयरलाइंस को भी हम सर्विस दे रहे हैं, आवाम को भी सर्विस दे रहे हैं और शुक्र है कि अभी तक हमें कोई उसको कोई बुरी खबर नहीं आई कि जी आपके टेस्ट गलत थे या पेशेंट वहाँ पहुँचा और उन्होंने कहा कि आपके रिज़ल्ट सही नहीं थे। तो एक मैारी स्टैंडर्ड का हम काम कर रहे हैं और उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो टेस्टिंग है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो। बिल्कुल, कि बहुत अच्छे मायार की है, बहुत अच्छे मायार की। नाज़रीन, मायार जो है चाहे वो किसी चीज़ का हो उस पर कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली मेडिसिन की या किसी की ज़िंदगी का अगर सवाल है तो। अगले जो मेरे मेहमान हैं डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी, CEO अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आप सेम ऑब्वियसली आप सब गुजरे हैं इस पूरी पेंडेमिक से, अब दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस इसमें?
ऐसा है कि जी हम मेरे वालिद साहब का हेल्थ केयर की फील्ड में कोई 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी, और अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है तिमार डायग्नोस्टिक्स का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। हम लोगों ने कोविड 19 जब स्टार्ट में आया तो उसकी टेस्टिंग हमने पेंडेमिक के स्टार्ट में शुरू की, PCR टेस्टिंग जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, वो PCR टेस्टिंग तो हमने स्टार्ट की, बट उसके अंदर एक चीज़ हमें करने का बस अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA है उसके साथ हमें कोलैब करने का मौका मिला। ऑब्वियसली इट्स अ टीडियस प्रोसेस, इट्स जो PCR टेस्टिंग है इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, सब एक साथ बैठे हुए हैं करते हैं और लोगों को तो नज़र आता है कि एक नाक से या गले से एक स्वैब ले लिया है, बट एक्चुअली तो वो उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, वो उस चीज़ से गुजरते हैं और ये जितने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं अपनी जान पे खेल के वो सबको देख रहे होते हैं। हमें मौका इस चीज़ का मिला कि हमने NDMA से किट्स और चीज़ें प्रोक्योर करके अवाम को ये चीज़ें, ये टेस्ट 2000 रुपीज़ में हम ले आए। तो मतलब उस टाइम पर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हर कोई किसी को कॉस्ट पड़ती है तो उसी हिसाब से वो उसके रेट को लेकर आते हैं, मगर हमने कोशिश की और वो कामयाब हो गई कि हम 2000 रुपीज़ में हम टेस्ट देने में कामयाब हो गए। हमने किट्स NDMA से प्रोक्योर की और आगे हमने टेस्ट दिया, तो उसमें जो नंबर ऑफ पीपल पोरिंग इन था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ कि घर में कोरोना होता है, एक बंदे को नहीं होता, एक से ज़्यादा लोगों को होता है। अब मतलब कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 5 लोगों के टेस्ट होने हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और फिर अगर एक बंदे को कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उसको 2 नेगेटिव तक वेट करना है, तो उसकी 2-3 बार टेस्टिंग होगी। फिर वही सपोर्टिव चीज़ें जो टेस्ट के साथ साथ थी हमने दी तिमार डायग्नोस्टिक्स पे, जिस तरह डी डाइमर है और जितने इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हैं और वो उनके टेस्ट वगैरह हमने किए, CT स्कैन, कई लोगों का टेस्ट जो होता है वो आपका PCR पे नहीं पकड़ा जाता, तो उसके लिए HRCT जिसे कहते हैं वो होता है चीज़, CT स्कैन चेस्ट का, वो हमने किया। फिर उसके बाद क्योंकि मैं एसोसिएटेड हूँ अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ भी, हमने साथ ही साथ आइसोलेशन वार्ड्स अपने बनाए। आइसोलेशन वार्ड बना के हमने कहा कि जो पेशेंट्स हैं इसके कोविड के उनको ट्रीट किया जाए, और अब इंशाल्लाह आगे अगला स्टेप हम वैक्सीनेशन की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन में थोड़ा सा डिले है, मगर ईद के बाद अगर गवर्नमेंट का तावन रहा तो हम तमाम लैब्स इंशाल्लाह वैक्सीनेशन को अच्छी तरीके से अवाम में आम कर सकेंगे, तो उसकी तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। अभी वैक्सीनेशन की पूरी बात करेंगे क्विकली से, आपका मौक़िफ थोड़ा सा लेके हमें क्विक से ब्रेक पर भी जाना है नाज़रीन। आपको पता है कि रमज़ान की नशियात में ब्रेकें जो हैं वो बहुत सारी लग जाती हैं। अरसलान तारिक सेठी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तिमार डायग्नोस्टिक्स, आप क्या कहना चाहेंगे? जब जून में हमने ये स्टार्ट लिया लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से रमज़ान था, तो उस टाइम बहुत सारी लैब्स तो ऑलरेडी PCR कर रही थी, तो तिमार जो था उसका पहला स्टेप था, तो हमने बड़ी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और कम रेट पर जब हमने टेस्टिंग NDMA की हेल्प से स्टार्ट की तो हमारे पास क्राउड काफ़ी ज़्यादा और हमने क्वालिटी को मेनटेन रखना था और इस पर हम बहुत ज़्यादा हम इन हाउस बहुत काम करते रहे, यानी हम 16-17 घंटे सर्विसेज अपनी इदारे को देते रहे, जिसकी वजह से हमने इतनी क्वालिटी को मेंटेन रखा। इस टाइम तिमार तकरीबन 13 एयरलाइन के साथ भी रजिस्टर्ड है। अभी भी मैम जो हमारा रेट है वो 3500 है, क्योंकि हमें NDMA की सपोर्ट बंद हो गई तो हमने खुद प्रोक्योर करना स्टार्ट किया। बहुत सारी लैब्स हैं जानती हैं कि 3500 में भी क्वालिटी को मेंटेन रखना थोड़ा टफ है, लेकिन हमने इसको यानी मकसद अर्निंग का ज़्यादा नहीं बनाया, हमारा मकसद था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तो अभी भी हम इसी तरीके से चल रहे हैं और बहुत सारे हमारे मोबाइल यूनिट्स होम सैंपल सर्विसेज लगातार लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं। रमज़ान के मंथ में भी हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी एक्टिव है। ओके नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और आपको चीज़ बताऊंगी मैं कि एक तो जो सब स्टैंडर्ड लैब्स हैं उनके ऊपर जो फेक रिपोर्ट्स हैं कि किसी को एक्चुअली है और वो ज़ाहिर कर देते हैं कि उसको कोरोना नहीं है ताकि वो ट्रैवल कर सके, दूसरी बात ये कि सब स्टैंडर्ड चीज़ों से कितना आप इस सिचुएशन में नुकसान हो सकता है, ये मैं सबसे इनका मौक़िफ़ ज़रूर लूँगी। लेकिन अजीम क्योंकि हमने ब्रेक पे भाग के जाना है, जो आज की डिश है वो दम लग चुका है उसको, सर पेट भी साथ साथ लगा हुआ है, आप लोगों से पूछूंगी अभी क्या आप लोगों को पसंद है। सो ये आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम, ये आज की जो चटपटी कराची स्टाइल की बिरयानी है ये भी मैंने रेडी हो गई है, इसको मैं अभी डिश में निकाल ही लूँगी क्योंकि वक्त कम होता है हमारे पास ब्रेक तक, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा वक्त मिले, मैं ब्रेक में निकाल लूँगी। रायता साथ बन चुका है, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, सो डोंट मिस।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आप कॉल कर सकते हैं 0518094521 पे। हमारे साथ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, आपने गौर से सुनना है। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मेजर रिटायर्ड डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, वो मौजूद हैं। डॉक्टर नसीर अहमद, CEO एक्सेल लैब मौजूद हैं। और डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी, CEO अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वो मौजूद हैं। और अरसलान तारिक सेठी साहब, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीमार डायग्नोस्टिक, वो मौजूद हैं। इससे पहले हम कोविड 19 के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि ये वो मुस्तनद लोग हैं जो कि आपको बिल्कुल सही जो है पिक्चर देंगे, चाहे वो रिपोर्ट्स हैं, फेक रिपोर्ट्स हैं, या फिर वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर होती है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नहीं है। तो सबसे पहले ब्रेक से आ गए हैं हम लोग फेक रिपोर्ट्स के हवाले से, हमने कि फेक रिपोर्ट कैसे कि किसी का टेस्ट गलत सब स्टैंडर्ड हुआ है और उसकी फेक रिपोर्ट निकली है, तो इसके ऊपर कैसे पता लगे जो हमारे लोग देख रहे हैं इस वक्त। वी हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, हमें भी ये प्रॉब्लम महसूस हुई जब ये ट्रैवल बैन हुआ कोविड में और ट्रैवल दोबारा स्टार्ट हुआ, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है इसकी ज़रूरत थी फॉर द एयरलाइंस टू गेट द पैसेंजर ऑन टू द प्लेन। अच्छा, अब उस को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए। एक तो नॉर्मल तरीका है जिसमें लैब्स जो मुस्तनद हैं, जो काम कर रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, उनके एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो एयरलाइन के पोर्टल्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स डाल देते हैं, ठीक है। और उनको उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी बार कोड और सेवरल अदर थिंग्स आर देयर टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी की ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ओके, फार फ्लंग एरियाज में क्या हुआ कि इनके लेटर पैड्स के नकल करके उसके अंदर फेक रिपोर्ट नेगेटिव की डाल के और लोगों को एयरलाइंस की तरफ भेजा गया। अच्छा, अब कुछ जो काउंटर पे एयरलाइंस के जो स्टाफ होता है जिन्होंने असर्टेन करना होता है, अपने सिस्टम से भी देखना होता है, अगर उन्हें नहीं देखा तो द पर्सन वुड गेट थ्रू। ओके, यहाँ से निकल गए, दुबई पहुंच गए, सही, दुबई वालों ने पकड़ लिया क्योंकि वो रीटेस्ट करते हैं वहाँ पे तो रीटेस्ट और उनको पता चल गया, उन्होंने मतलब बंदों के पैसे भी जाया हुए, सजाएं भी मिली, हमें भी पता चला कि ये चीज़ हो रही है, हम और केयरफुल हो गए, हमने एयरलाइंस को कहा कि आप लोग अपने पोर्टल को चेक करें और हमारी रिपोर्ट्स के अंदर बार कोड्स और दूसरे जो सिस्टम्स ऑफ चेकिंग है उसको आप असर्टेन करें कि ये रिपोर्ट फेक तो नहीं है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन एट स्टेक आ जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ हमने देखे तालीमी इदारों के अंदर भी फेक रिपोर्ट्स इस्तेमाल हुई, वो हमारे पास आई यूनिवर्सिटी से कि ये बंदे ने एग्ज़ाम मिस किया है, ये इसकी रिपोर्ट चेक करें जो इसने दी है कि मैं इस वजह से नहीं अपीयर हो सका, मेरे मुझे दूसरी डेट दी जाए, वो भी हमने चेक की, वो भी फेक थी। देखें, सो ये एक मुआशरे का एक अजीब सा रवैया है कि अब एक बीमारी है, हो जाती है, एंड वी शुड टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट, दूसरों को लगाने से अपने डियर वंस को, दूसरों को बचाएं हम, क्योंकि नाज़रीन ये एक जानलेवा बीमारी है, ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए इस तरह की चीज़ें, फेक रिपोर्ट करना किसी एग्ज़ाम से आगे डेट बढ़ाने के लिए या आपको बाहर जाना है, तो प्लीज़ ऐसे ना करें। आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पर लगा रहे हैं। ज़बरदस्त सर, डॉक्टर नसीर अहमद हमारे साथ हैं, CEO एक्सेल लैब। सर, आप इसके बारे में फेक रिपोर्ट्स और ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, फेक रिपोर्ट्स ये है कि किसी को आपने कहा कि जी आपने 6,000 या 5,500 रुपये देने टेस्ट करवाने के लिए, आप मुझे 5,500 रुपये दे दें, मैं आपको नेगेटिव रिपोर्ट देता हूँ जो आपको चाहिए, वो तो आप टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन मैं आपको एश्योर्ड 100% वारंटी देता हूँ कि आपके हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। तो लोग टेम्प्ट हो जाते हैं, यार मेरी तबीयत तो ठीक है, दे डोंट नो कि उनके अंदर डिजीज़ है, वो कैरी कर रहे हैं, और बाहर जाके जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, इसी तरह मुल्क से मुल्क बीमारी फैलती है और इस तरह ये एक वाइड स्प्रेड होती जा रही है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है जो ये खासतौर पर अब ट्रैवल एजेंसीज इसमें शामिल हो गई, उनको वॉच करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, हमारे पास जो केसेज आते हैं हम आगे रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हुकूमत को इस पर थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए, अभी तक गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ट्रैवलिंग के ऊपर जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो भी मिल जाती हैं, मिल जाती है ना, और ज़्यादातर नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो नहीं, लेकिन हैं, देखिए दो नंबरी हर जगह होती है, तो जहाँ वो दो नंबर ट्रैवल एजेंसीज वो ये काम भी करती हैं। सर, आपकी वो जो है ना स्पॉन्टेनियस जो आपकी वो होती है एनालिसिस, वो बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप आ जाते हैं डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी, CEO अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। फेक रिपोर्ट्स का क्या किया जाए, आपको एक्सपीरियंस हुआ? ऐसा है ना कि पता नहीं इस तरह से कहना चाहिए कि नहीं, हम शायद लैक ऑफ एजुकेशन बहुत प्रिवेल करते हैं हमारे अंदर।
हम एक मामला ठीक होता है तो बनती है कोई चीज़, साथ ही उसका लूप होल हम सोचते हैं कि मतलब एक बंदा नौकरी लेता है तो वो सोचता है कि यार इसमें से छुट्टी कब ली जा सकती है, इसमें से निकला कब जा सकता है। अब इसी चीज़ को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर साहब जिक्र भी कर रहे हैं, ये मामला हमने भी फेस किए हैं। फेक रिपोर्ट्स दोनों तरफ से यूज़ हुई हैं, पॉजिटिव की भी फेक रिपोर्ट्स बनाने के लोग कहते हैं। छुट्टी लेने का सबसे आसान तरीका ना, एग्ज़ाम से छुट्टी ले लो, किसी जॉब से छुट्टी ले लो, आपने कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना था आप नहीं कर सके, तो वो उन्होंने लेबॉरेटरी की फेक रिपोर्ट्स बना दी इस तरीके से। और उसके अलावा इन्होंने इस तरह किया कि जी नेगेटिव की रिपोर्ट्स बनाई ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करने के लिए, और उसमें मज़ीद उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं कि एयरलाइंस ने उसके ऊपर QR कोड्स वगैरह दे दिए हैं। QR कोड स्कैन किया जा सकता है किसी भी मोबाइल से आप कैमरा ऑन करें उसे स्कैन करें तो उसके ऊपर भी आ सकता है, उसको ज़रा फेक बनाना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने अपने पोर्टल्स अपडेट किए हैं, मगर बस अफसोस की बात यह है कि हम तमाम जिस तरह ममालिक हैं असूल के मुताबिक चलते हैं, जो चीज़ है उसको लेके चलते हैं। हम लोग हमेशा एक उल्टी लाइन को लाजमी पकड़ने के सोचते हैं, पाकिस्तानी चाहे जैसे मर्जी हो। अब मतलब एक तो ये फेक रिपोर्ट इस तरीके से बनाने वाली बात है, दूसरा भाई मेरा हाईलाइट करें कि लैब्स कुछ ऐसे काम कर रही हैं, ये तो लोगों के अलावा के वो इस तरह से कर रही हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड लैब्स हैं जो कि आप हमेशा मुस्तनद लैब के पास जाएं ताकि आपकी और दूसरों की सेहत और ज़िंदगी पे इस तरह के असरात ना हो। ये सब स्टैंडर्ड लैब्स के बारे में प्लीज़ बताएँ आप हमारे साथ। अरसलान तारिक सेठी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीमार डायग्नोस्टिक्स। मैडम जब ये टेस्ट स्टार्ट हुआ था ना जून में, तो तब तो ये कहा जाता था कि इसमें जी फॉल्स नेगेटिव के बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड टेस्ट है और इसमें स्टार्ट में इस तरीके से तब तक इसमें कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही थी, और जितने भी इदारे थे जो पंजाब हेल्थ है जैसे पंजाब को देखता है, इस्लामाबाद की अथॉरिटी भी अभी बन गई है, वो लैबों को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखती थी जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मेनटेन थी। अब कुछ अरसे से कोई 2-3 माह हो गए शायद, ट्रैवल एजेंसीज जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं लैब्स के साथ क्योंकि लैब्स को बिजनेस चाहिए और बिजनेस देती हैं ट्रैवल एजेंसीज। और कुछ लैब्स ऐसी हैं जो बहुत सारी एयरलाइन के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिस तरह हम रजिस्टर्ड हैं वो भी हो गई हैं। उनके वैसे रेट्स उन्होंने बहुत कम रख दिए हैं, लेकिन बगैर पेशेंट के या बगैर क्लाइंट के आए हुए रिपोर्ट्स दे देती हैं सिर्फ पेमेंट्स लेकर। तो इसको और इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं, हमने भी पंजाब हेल्थ को, क्योंकि हम पंजाब की अथॉरिटी में आते हैं, हमने उनको भी रिपोर्ट किया है कि भाई इस तरह के लोगों को रोका जाए, इसकी वजह से ही जो हमारे मुल्क में ये केसेस हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। देखें इंडिया का जो फैक्टर हमारे सामने आया कि बहुत ज़्यादा वो हम बात हो रही है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वो क्यों आया है? खाली उसमें ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंस और ये चीज़ें, ये जो कुछ लेबॉरटरीज हैं जो बिल्कुल ही क्वालिटी को का ख्याल नहीं रख रही, उनकी वजह से भी ये फिगर सामने नहीं आ रहे। और पाकिस्तान में भी ये मसला चल रहा है, तो हमें यानी जो हमारी लीगल अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि इस पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस तेज करें। बिल्कुल। और ये जो फेक रिपोर्ट्स हैं और ये जो सब स्टैंडर्ड लेबॉरेटरीज हैं, इनका पैसे के पीछे लोग, थोड़े से पैसे के पीछे लोग पूरे मुल्क को जो है वो सैबोटाज में तो कहूँगी हो सकते हैं हम लोग। तो ये प्लीज देखने वाली बात है, मुस्तनद लैब्स के पास जाएं, जिस तरह इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके अलावा एक्सेल लैब है, उसके अलावा टीमार डायग्नोस्टिक्स है, तो ये मुस्तनद लोग हैं, इनके पास आप जाएंगे तो आपको सही और गलत में फ़र्क महसूस होगा, प्लीज़ ऐसा ही किया करें। अब आ जाते हैं क्विकली से वैक्सीन के ऊपर। सर, वैक्सीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? लोग काफ़ी सारे दिमाग उनके काफ़ी थेरीज में पड़ गए हैं कि नहीं लगानी चाहिए, ये जूश लोगों की ईजाद है, या बहुत सारे यू नो थेरीज निकली हुई हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैम, इलाज से एहतियात बेहतर है, क्योंकि इलाज इस कदर इफ़ेक्टिव भी बाज़त नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस में लोग बहुत सारा पड़ जाते हैं, खासकर जो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और दूसरी चीज़ें हैं, तो जब वो सीरियस हो जाते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली उससे रिकवरी भी मुश्किल से हो रही होती है। ओके, सो द बेस्ट थिंग टू हैव डन इज़ कि वैक्सीनेशन कर ली जाए। ओके, वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपकी अपनी बचत होती है फ्रॉम द सीरियस डिजीज़ एंड फर्टेलिटी डेथ वगैरह से भी बचत करती है, और दूसरा ये कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे और लोगों को आप ट्रांसमिशन से बचाते हैं। तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए, पूरे नेशन के लिए ज़रूरी है कि सब वैक्सीनेट हों। ओके, क्योंकि जितने थोड़े रह जाएंगे वो भी सोर्स ऑफ स्प्रेड होगा। बिल्कुल, तो उसके लिए मतलब एवरीबडी शुड पुट इन एफर्ट,
चाहे बड़ी उम्र के हैं चाहे जैसे ज़्यादा किसको फोकस आप करेंगे कि उनको फ़ौरन करवानी चाहिए? देखिए बड़ी उम्र के अंदर चूँकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके एज ब्रैकेट्स रख दिए और अब वो एज ब्रैकेट्स 40 तक आ गया है। जब इंशाल्लाह ताला हम NIH के वसातत से अपने दोस्त ममालिक की हेल्प से खुद अपनी वैक्सीन बना लेंगे तो हम पूरी आबादी को टारगेट कर सकेंगे। करोड़ों के हिसाब से हमारी आबादी, हमारा हमसाया मुल्क अरब प्लस है, 1.4 बिलियन उनकी वो है, उनका हाल हम देख सकते हैं आए दिन टीवी पे जो हालात होते हैं, दिल दुखता है उनको भी, वो भी इंसानियत ही है। तो वी शुड नॉट गो थ्रू दैट, हम अब कर सकते हैं कंट्रोल, वैक्सीन और SOPs को ज़रूर फॉलो करें, रश में मत जाएं, ईदें फिर भी आ जाएंगी, ज़िंदगी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नाज़रीन, कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की, क्योंकि जब आप थोड़ी सी एज में हो जाते हैं तो आपका इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है, तो उन लोगों को फ़ौरन वैक्सीन करानी चाहिए। तो आपके जो लैब है वहाँ पे आजकल हो रही है वैक्सीनेशन? और अगर फ़र्ज करें कोई नहीं आ सकते, बुजुर्ग हैं, तो आपका कोई ऐसा? हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते घर पे। ओके वंडरफुल, थैंक यू ज़बरदस्त नाज़ीर, आपको नॉलेज मिल रहा है। डॉक्टर नसीर अहमद CEO एक्सेल लैब, सर आप वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन पे एक हमारा फैमिली का किस्सा है कि मैंने कोशिश की कि हमारे जितना हाउस होल्ड स्टाफ है जो 40 साल से ऊपर है उनको जमा करके भिजवा दूं मैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हर एक को लगवानी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जिस दिन टाइम आया जाने का सब लोगों का, तो एक दो लोग खड़े हुए शर्मा रहे और साले रा रहे कि जी हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगा जी खनसामा, कहने लगा कि उसके चाचा को वैक्सीन मिली थी उसके दो दिन बाद वो मर गया। तो मैंने खनसामे को बुलाया तो कहने लगा जी मुझे नहीं पता चाचा क्यों मरे थे। मैंने कहा तुम खड़े होकर सबको डरा रहे हो, तो वो तो लोग तो घबराएंगे, हम समझेंगे कि आज हमें वैक्सीन मिली है और परसों। मैंने कहा जी मैं और डॉक्टर साहब ने सबने लगवाई है, हम आपके सामने ठीक ठाक चल फिर है। बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करवा के फिर मैंने भेजा, क्योंकि लोग गलत खबरें फैला के और अफवाहें फैला के तो लोगों को डरा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, बच्चों की भी जिस तरह हिफाजती टीके उनके बहुत फ़ायदे हैं। और पोलियो देखिए किस हद तक खत्म हो गया। मुझे बचपन में याद है मेरे साथ क्लास में एक लड़की थी जिसको पोलियो था, और हम देख देख के सोचा करते थे कैसी बुरी बीमारी है। तो इस तरह और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हमने कंट्रोल किया, हेपेटाइटिस एक एग्जांपल है। इंशाल्लाह कोविड को भी हम कंट्रोल कर लें। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी जो के CEO अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, आप क्या कहेंगे? जी देखिए बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करके चलूँगा। ऐसा ही हुआ कि हम लोग इस तरीके से अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और ZMR डायग्नोस्टिक्स में हम लोग वैक्सीनेशन को, क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर्स की कैटेगरी में आते थे कहीं, तो हम लोगों ने अपने स्टाफ को कहा कि जी जाएं आप लोग वैक्सीनेट हों। क्योंकि देखें एक बंदा जब बीमार होता है हमारी टीम का, लेट से एक सैम्पलिंग टीम है, उसका ड्राइवर ही बीमार होता है, उसका इलाज का खर्चा भी है, उसके घर में भी खर्चा हमने देना है, और उस जगह पर हमने दूसरा बंदा भी, हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है। तो हमने कहा देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका काम है फर्स्ट जाएं वैक्सीन लगवाएं। मेरे सारा स्टाफ जो कि कोविड की टेस्टिंग भी कर रहा है, इलाज भी कर रहा है, वो वैक्सीन से पीछे हट रहा है। मैंने कहा जी हम वैक्सीन नहीं लगवाते, हमें थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनानी पड़ी, शायद मुझे लगता है पाकिस्तान हुकूमत को भी एक स्टेज पर आके बनानी पड़ेगी। हमने तो कहा कि हम अगले मंथ की सैलरीज उनको डिस्पर्स नहीं करेंगे जिनको डोज नहीं लगेगी, थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ी हमें, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा सारा स्टाफ वैक्सीनेट हो। अब ये उसी तरह की बात है ना, असल में कोरोना जिस टाइम पर आया था तो शुरू में बात यही चल रही थी कि यहूदी साजिश है, ये असल में है ही नहीं कोरोना, इसमें WHO की तरफ से कोई एड आ रहा है, इसमें पॉजिटिव कोई केसेस देंगे, उस पर लैब्स को कोई पैसे मिलेंगे, अस्पतालों को कोई पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह की चीज़ अब अगर आप देखें कि वैक्सीन के बारे में भी कही जा रही है, तो वैक्सीन ज़रूरी है, मतलब ये कि इसके कितने एक दो डोज लगती हैं? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फाइज़र और मॉडर्ना के नाम से दो जो वैक्सीन बाहर चल रही हैं, वो तो पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल है क्योंकि -70 डिग्री। आपको थोड़ा सा क्विक होना होगा, आई एम सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टर है वो कहीं कैमरे से ही बाहर ना निकल आए। बेसिक बता देते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लग रही है, जनरली IDC भी लगा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी है, वो दो डोजेस है, 21 डेज अपार्ट दो डोज लगती है, छोटा सा इंजेक्शन है, पेनलेस होता है, और उसके बाद अगर उसके कोई बुखार आता है या कोई चीज आती है, वो आपकी वैक्सीन की एक्टिवेशन है, वो एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, तो लाजमी लगवाएं। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बता दें अरसलान तारिक सेठी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर TMR डायग्नोस्टिक, जल्दी से बता दें। मैडम बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, मैं ये तीन भाइयों ने बात कर दी है और सारी बात सबको समझ भी आ गई, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वैक्सीन ज़्यादा क्वांटिटी में पाकिस्तान पहुँच जाए। ये तो फिर बात का मसला है कि लोग लगाते हैं नहीं लगाते, लोगों को एग्री करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बाहर बात करते हैं कि हमारे पास 2% भी लोग
कैटर नहीं हो सके वैक्सीन के लिहाज से, तो हमारे पास हमें यानी कोई ऐसी आसान पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, कोई ड्रैप को नरमी करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी बल्क में आ जाए और हम यहाँ पे अपनी भी जो NIH के साथ हेल्प के साथ हम बना सकते हैं उसको भी जितनी जल्दी हो हम कंप्लीट कर दें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच प्यारे मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे एक और शो करेंगे और तसल्ली से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सुना आज का प्रोग्राम। आप रात में रिपीट में 11 बजे देख सकेंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी कल 4:30 बजे लाइव रमज़ान शादमान की खसूसी लाइव ट्रांसमिशन में। हमारे साथ बहुत ही प्यारे, इनका ताल्लुक पुलिस से है, आसिम अयूब कादर साहब, जो कि बहुत अच्छी नातख्वानी करते हैं और आज हमें खूबसूरत नात रसूल मकबूल जो है उससे आज की नशरियात अख्ताम पजीर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का, सबका, वंस अगेन आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। सोहना बोले ते बन दे सिपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो, वैरिया ने भी तारीफ कीती, हाँ कीती वैरिया ने भी तारीफ कीती, कमली वाले दा किरदार वेखो, मस्त अखियां तो वारा सितारे चन भी उंगली दे मन दा इशारे, मुस्कुराए ते चानन खिलारे, खिलारे मुस्कुराए ते चानन खिलारे, ओ दे मुखड़े दे अनवार वेखो, सोच सो पर ना होई किसे दी रसाई, बैके सिदरात जिबरील आखे, हाँ आखे बैके सिदरात जिबरील आखे, मेरे सरनी में आदे करावे, गोरे काले बराबर बिठावे, बिठावे गोरे काले बराबर बिठावे, शाहे बतहा दरबार वेखो, शाहे बतहा दरबार वेखो।
दिल दी हसरत होवेगी पूरी, दिल दी हसरत ना होवेगी पूरी, चंगी किस्मत जे होवे जहूरी, चंगी किस्मत जे होवे जहूरी, शाहे पतहा दरबार वेखो सोना बोले ते बनदे सिपारे, सिपारे सोना बोले बन दे सिपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो वैरिया ने भी तारीफ कीती, हाँ कीती कमली वाले दा किरदार वेखो कमली वाले